क्या बना ले यार? डॉग्स वगैरह चले गए हैं? परिंदा कहाँ पे गया है? पीछे चले गया? अरे अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं यार आप? सब ठीक हैं? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। हम यहाँ से गुजरे थे कि अचानक ना यहाँ से परिंदा नीचे उतरे यहाँ से, और डॉग्स ना वहाँ से भागते हुए आए हैं और उस पर हमला करने की कोशिश की है। जैसे ही मुझे नज़र आया ना, तो मैंने आलियान को भगा दिया कि देखो यार उसको कुछ कार ना दे, मार ना दे। तो अभी आलियान बता रहा है कि वो उड़ के पीछे चले गया और डॉग्स वगैरह भी भाग गए हैं। मैं सोच रहा हूँ आलियान ऊपर आओ, उसको ना यार देखते हैं पीछे, वो ज़ख्मी ना हो गया हो यहाँ पे ना, पीछे आया इस जगह पे। तो आगे चल के देखें, क्या कहते हो? ध्यान से आना, ऊपर आ जाओगे? हाथ पकड़ाओ। पकड़ा आ गया भाई। तूने काफी मेरे साथ ही जाए। तो यार अब हम जा रहे हैं उधर पीछे, देखते हैं वहां पे जाके अगर वो नजर आया ना तो हम उसे पकड़ लेंगे। यार इस वक्त नजर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं, इसके अंदर ना छुप गया हो। आलिया इधर आओ, यहाँ पे देखते हैं। नहीं इसके अंदर भी नहीं है, पता नहीं यार कहाँ पे चले गए। इधर ही आया था लेकिन नजर ही नहीं आ रहा। इसके अंदर ना चला गया हो? नहीं नहीं इसके अंदर भी नहीं है, देखना है। इसके अंदर ये भी खुला हुआ है। हाँ इस तरह भी आ सकते हैं, कुछ और ही ना निकला यार ये सांप वगैरह। यार इस जगह भी आया था, अभी नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन हम उसे ढूंढते हैं। अगर मिल गया ना तो हम उसको पकड़ लेंगे और घर ले जाएंगे। हम और आगे जाकर देखते हैं। आलियान तुम ऐसा करो वहां भी देखो और मैं इस तरफ देख के आता हूँ, देखते हैं यार अभी हमें नजर आता है कि नहीं। तो यार अभी आलियान को नजर आ गया। कहाँ पे है? कहाँ पे? मुझे नहीं नजर आया। अच्छा ये बैठा हुआ है आलियान, ये तो बगला लग रहा है। हाँ यार ये तो बगला है, मुझे लग रहा है ये जख्मी से उड़ा भी नहीं जा रहा अभी, इसलिए तो नहीं ना उड़ पा रहा है, ये वाकई में जख्मी है। इसको ना आलियान पकड़ लेते हैं। यार हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर ये जख्मी हुआ ना तो इसको रेस्क्यू कर लेंगे। वो बड़ा तेज है यार ये तो। आलियान कैसे पकड़ना है इसे? घेरा डाल इसे यार, ये मैं देख के भागता जा रहा है लेकिन उड़ नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह है। मुझे लगता है जख्मी है वो, दोबारा उधर चले गया। चली कर आलियान इसको यार, वो ना पकड़ ले डॉग, फिर ना पकड़ ले, इसमें हमला कर दे। यार इस वक्त ये यहाँ पे बैठा हुआ है पीछे। ओए गिर गया, वो गया। आली नीचे उतर जल्दी से, मैं इधर से उतरने की कोशिश नहीं करता, उधर चलता हूँ यार, यहाँ से खतरा ही है। तो यार अभी आलियान उतर है और वो भागता हुआ जा रहा है, उधर आगे डॉग्स बैठे हुए हैं और उनके पास ही वापस जा रहा है। यहाँ से भी उतरना पड़ेगा। यार इसकी जान को खतरा है बहुत ज़्यादा। ये बैठा हुआ है, अरे यार डरना नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यार ये बहुत ज़्यादा डर है, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। यार इधर आओ इधर आओ। अलियन मेरी जो जैकेट पड़ी है ना वो बाइक के ऊपर, वो उठा लाओ, वो इसके ऊपर फेंकते हैं फिर ये पकड़ा जाएगा, ऐसे काट भी सकता है। यार इसकी चूँच भी बड़ी तेज़ है, ये काट ही ना ले। इस वजह से ना मैं आलियान को भेजता हूँ। आलियान ऐसा करो यार जैकेट पकड़ लाओ, वो जैकेट आलियान मेरी लेके आता है ना पीछे से, वो इसके ऊपर फेंकते हैं और फिर ये पकड़ा जाएगा। अभी यहाँ भी बैठा मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, पीछे यहाँ पे ना डॉग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आलियान आ गया। बस यार अब हम आखिरी कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की, मुझे उम्मीद है कि ये पकड़ा जाएगा। इसकी आंखों के ऊपर आलियान ये फेंकना, फिर नहीं उड़ पाएगा ये, ना भाग पाएगा। इसके ऊपर फेंकना कैसे, राग भाग जाता। तो यार अभी आलियान जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। ले आओ ले आओ, इधर कोने में ले आओ, कोने में ले आओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ आओ आओ। आजा आजा आजा, हाँ ठीक है ठीक है, वहां कोने में इसको लेके चलो, वहां से पकड़ा जाएगा। हाँ आप सही है, चलो चलो चलो, फेंको फेंको इसके ऊपर, फेंको फेंको। वे यार पकड़ा गया है। तो फाइनली यार हमने उसे पकड़ ही लिया है, काट रहे। वे अच्छा कि ये जैकेट ले आयो। तो यार ये था बेचारा। अरे आलियान इसको देखो, जख्म वगैरह तो नहीं है? चोंच फंस गई जैकेट के अंदर, चोंच फंस गई है, चोंच निकाल, छोड़ भी नहीं रहा। अरे यार छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं होता, चूंच फंसी नहीं आलियान, ये निकालना ही नहीं चाह रहा। दंदी काट लिया था चूंच का, चूंच का जैकेट को दंदी काट लिया। ओए रुको गर्दन ही ना उतर जाए,
यार इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ये अपनी चोंच बाहर निकाल ही नहीं रहा है। हमने पूरी कोशिश कर दी कि किसी तरह इसकी चोंच यहाँ से छुड़वा लें, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं छोड़ा। डर की वजह से ना उसने फुल उसको ऐसे मेरी जैकेट की जकड़ ली अपने चोंच के अंदर और छोड़ बिल्कुल नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं यार, इसको ना ऐसे ही बंद करो इसके अंदर, हाँ इसके आंखों के ऊपर भी डाल दो ना। चलो अब सेफ है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, इसको लेके चलते हैं पेट हाउस में, वहाँ पे चल के ना इसे देखते हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं उड़ पा रहा। मुझे लगता है आलिया इसके पार पे ही कोई जख्म हो गया है जिसकी वजह से उड़ा नहीं जा रहा इससे। मुझे पहले ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से हमें दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले मैं चढ़ता हूँ, मुझे पकड़ाना और उसके बाद फिर आलियान आएगा। मोबाइल नीचे गिर गया। ये मोबाइल यार मेरे हाथ से बहुत दफा गिर चुका है और गिर गिर के टूट जाता है, फिर ये जुड़वा लेता हूँ मैं इससे। चलो मैं तो ऊपर आ गया हूँ, चलो दिखाओ ये, ध्यान आ जाओगे। चलो जी चलो चले। तो बस यार अब हम निकल रहे हैं घर चल के ना इसे देखते हैं कि क्या मसला है। तो यार अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ और अरफा भी आ रही है। अरफा जल्दी आओ, देखो इसके अंदर मैं क्या लेके आया हूँ। ये क्या है? क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर कोई कबूतर? नहीं है तो नहीं है। तो फिर क्या हो? चलो तुमने नहीं पूछ सकना, इसको ऐसा करो आराम आराम से खोलो और देख लेना इसके अंदर क्या है। कोई खतरे वाली चीज तो नहीं? खतरे वाली है लेकिन उसकी चोंच जो है ना इस वक्त बंधी हुई है। खतरे वाली चीज नहीं है फिलहाल के लिए। तो नहीं। देखो कुछ भी नहीं है। हैं? कहाँ गया? अरे ये बैठा है, ध्यान से ध्यान से। ये क्या है? इसके तो पंजे भी उठे हुए हैं, ये चीज क्या है? ये पता है कहाँ से लेके आए हैं? मैं और आलियन गए हुए थे ना काम से बाहर, तो रास्ते में वापस आ रहे तो ये हमें नजर आया था। डॉग्स इसके पीछे पड़े हुए थे और ये हमें लगता है कि जख्मी भी है। बस यार अब इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसको कोई जख्म है या नहीं। ये उड़ ही नहीं पा रहा था। हाँ ये उड़ ही नहीं पा रहा था। इसकी चोंच कितनी खतरनाक है, इसकी चोंच ऐसा फंस गई हो, काट लेगा। अरफान के पीछे रुको, आंख के पीछे रुको। अरे इस कितनी खतरनाक नुकीली चूँच है, आंख में मार दी तो आंख जाया हो जाएगी। इसको दूर रखो आंख से। वैसे है क्या? ये बगला है, बगला। बगला? पागल? बगला। इसका नाम बगला है और इसको इंग्लिश में पता क्या कहते हैं? क्या? इंग्लिश में इसका नाम है इंडियन पॉन्ड हेरन, ये नाम है इसका इंग्लिश में। और वैसे इसको उर्दू में बगला कहते हैं। तो ये क्या इंडिया से आया? हाँ ना। कपड़े पकड़ आंख से दूर रखो ना इसकी चोंच। अरफा तुम ऐसा करो कि इसके पार खोलो। हाँ। और देखो उन पे कोई जख्म तो नहीं है, उड़ ही नहीं पा रहा था। अच्छा सही किया तुम इसे कर ले आए हो, इसलिए तो रेस्क्यू करके ले आए हो। साथ कितनी खतरनाक नजरों से मुझे देख रहा है। इसके पार खोल के देखो अरफा, मुझे लगता है इसके ना परों पे जख्म है। क्या हुआ? अरे ये जख्म बना हुआ है इतना से आता है ये तो सर के नीचे। और ऐसा करो पायोडीन लेके आओ, दिखाओ ये मुझे। तो यार अभी मैंने इसे पायोडीन तो लगा दी है। वैसे साथ ही खाई का क्या? जब तक ये हमारे पास है ना, हम इसे गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाएंगे। वैसे पता है क्या खाते हैं? क्या? ये तालाब में से ना मछलियों को उठा के, मछलियों के बच्चों को और मेंढक के बच्चों को, वो उठा के खाते हैं ये। हाँ ना। लेकिन जब तक हमारे पास है ना, तब तक हम इसे गोश्त वगैरह खिलाएंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। ये खाना शाना खाता रहेगा ना, इसमें ताकत आएगी, तो फिर इसका जो जख्म है ना वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो तब तक हम इसे अपने पास रखेंगे, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब हम इसे आजाद कर देंगे, ठीक है? वैसे साथ ये देखो कितनी टोनी आंखें लग रही है इसकी। हाँ लेकिन इसकी जो चोंच है ना, ये अपनी आंखों से दूर ही रखना, कोई पता नहीं है इसका, कोई पता नहीं है यार इसका। देखने से ही लग रहा है यहाँ तक इसकी चोंच घुस जाए अगर आँख में गई तो।
तो अभी हम लोगों को यहाँ भी खत्म करते हैं, शाम होना शुरू हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि आपको हमें नई नई से नई वीडियो मिलती जाए। अभी के लिए अल्लाह।